स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल वर्सेटाइल नॉलेज मास्टर में। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लेसन 3 पाई डायग्राम कैसे बनाएं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखें, सुने और समझें और इसकी प्रैक्टिस भी करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि पाई डायग्राम है क्या। आप पहले इसे समझिए और सुनिए। पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम, पाई का संबंध सर्कल के साथ है। पाई इज एसोसिएटेड विद सर्कल, इसलिए इसे सर्कल में बनाते हैं और इसे पाई कहते हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमें इस डायग्राम को बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स चाहिए। तो आप देखें वीडियो में, ये जो बनाने के लिए जो हमें आवश्यक चीज़ें हैं, सबसे पहले स्केल, प्रोट्रैक्टर, कंपास, पेंसिल, इरेजर, ये इतनी चीज़ें आप अपने पास रख लें, तैयारी कर लें, जिससे कि आपको बनाने में कम समय में आसानी से बन सके। ये चीज़ें आप नोट कर ले बच्चों। उसके बाद ये आपकी NCERT की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें जो लिखा है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है कि क्या दिया गया है इस बुक में, जिससे कि आप अपनी बुक उठाएं तो उसमें आपको कुछ भी नया ना लगे। देखिए लिखा है वृत्त आरेख, इसको पाई डायग्राम ही कहते हैं, इसका दूसरा नाम वृत्त आरेख भी है। वृत्त आरेख आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण की दूसरी आलेखी विधि है। इसके अलावा और भी आंकड़ों को प्रदर्शन करने की विधियां हैं, लेकिन यह जो वृत्त आरेख या पाई डायग्राम है यह सेकंड है, ठीक है, ये दूसरी विधि है। दिए गए आंकड़ों के लक्षणों के कुल मूल्य को एक वृत्त के अंदर दर्शाया जाता है। वृत्त के कोण को अनुकूल अंशों में विभाजित करके तब आंकड़ों का उपसमूह में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे विभाजित वृत्त आरेख कहते हैं। प्रत्येक चर के कोण को निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिकलित करते हैं। अब कैसे इसको निकाला जाएगा, तो देखिए दिए गए राज्य या प्रदेश का मान और बटे सभी राज्यों प्रदेशों का कुल मान टोटल, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 360 से। ये तो है डिग्री निकालने के लिए। और अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, यदि आंकड़ा प्रतिशत में दिया गया है तो कोणों की गणना के लिए हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है वे आप देख रहे हैं कि x का प्रतिशत मल्टीप्लाई 360/100, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया गया है और ये बुक का ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसमें ये सभी महाद्वीपों का दिया गया है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एशिया और अदर कॉन्टिनेंट का। और इसके अलावा फिर इसको कैसे सॉल्व करना ये भी दिया गया है, ये पूरा इसमें डिटेल में दिया गया है। लेकिन आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से और सिंपल डेटा लेकर के कैसे बनाना है बहुत ही इजी वे में इस डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगी, जिससे कि आप इस बुक में जो क्वेश्चन है, जो डायग्राम है, उसको आसानी से समझ सके। आइए देखें, देखिए इस जो ये सारणी है इसमें स्वीट फ्रूट, नट्स, ग्रेन्स, सैलड, ये जो इसको पसंद करने वाले जो लोग हैं उनके नीचे ये संख्या दी गई है। स्वीट को पसंद करने वाले 10 लोग हैं, फ्रूट को 10, नट को 5 और ये ग्रेन को 2 और सैलड को 3। ये तो हमारा जो डेटा है ये है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले सभी वैल्यूज़ का हम टोटल करेंगे। तो जितने वैल्यूज़ हैं 10, 10, 5, 2, 3, इसका टोटल हो गया 30। अब हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करना है और 360 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने क्या बताया, हर वैल्यू को टोटल से डिवाइड करना है। टोटल हमारा क्या है 30 और वैल्यू हमारी एक एक करके ये 10 है, फिर 10, 5, 2, 3, इनको हमसे इससे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है,
360 से तब जाकर हमारा क्या आएगा, ये डिग्री आ जाएगा कि एंगल हमें कितने का बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वीट के लिए एंगल निकालेंगे। स्वीट में कितने लोगों ने पसंद किया है, 10 लोगों ने। अब 10 को हम टोटल क्या है 30 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये देखिए 360 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब कैसे निकला, 0 से 0 कट गया, अब 3 1 3 और 3 2 6 ये आ गया 12 × 10, ये आ गया हमारे 120 डिग्री का स्वीट के लिए कोण बनेगा। इसी तरह से सेकंड नंबर पर है, फ्रूट को लाइक करते हैं 10 लोग। अब 10 को हम 30 से डिवाइड करेंगे और 360 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा एंगल 120 डिग्री का। उसके बाद नट्स का निकालेंगे, नट्स को कितने लोग लाइक करते हैं, ये 5 लोग हैं, तो 5 डिवाइड बाई 30 और मल्टीप्लाई किससे करना है हमको 360 से, इसको जब सॉल्व करेंगे 60 डिग्री आएगा। ग्रेन्स के लिए है 2 डिवाइड 30 मल्टीप्लाई 360 सॉल्व करने पर 24, और उसके बाद लास्ट में सैलड को 3 लोग और इसको डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई 360 सॉल्व करने पर 36 डिग्री का ये एंगल बनेगा। अब हमने ये जो कैलकुलेशन निकाली है ये सही है या गलत, इसको जानने के लिए हम इन सबको टोटल कर लेंगे। टोटल करने पर अगर ये 360 आता है फिर तो हमारी सारी कैलकुलेशन ठीक है, अदरवाइज हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर सही नहीं है तो आप दोबारा कैलकुलेट करके इसको ठीक से सही कर ले, जिससे कि अगर 360 आ रहा है तो आप समझिए आपकी पूरी कैलकुलेशन सही है। ये तो हो गया हमें एंगल कैसे निकालना है, डिग्री कैसे निकालना है, ये इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने के बाद ये जो डायग्राम बना है ये कैसे बनेगा, इसको भी बहुत ध्यान से देखें। देखिए हमें क्या करना है, अपने पेज के साइज के अनुसार एक सर्कल बना लेना है पूरा, इसका कोई साइज नहीं है, आप पेज के अकॉर्डिंग ये बना लें, सर्कल बना लें। अब सर्कल बनाने के बाद जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आपने यहाँ पर कंपास रखा था और यहीं पर हम मार्क कर लेंगे पेंसिल से। मार्क करने के बाद एक बेस लाइन बना लें यहाँ से लेकर के इस सर्कल तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडियस। सर्कल तक हमने ये लाइन खींच ली और इसको हम बना लेंगे बेस लाइन। अब हमें पहला एंगल बनाना है 120 का, इस पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर। रखने के बाद ये प्रोटेक्टर ऊपर मैंने दिखाया ऐसा होता है ना, ये 90 डिग्री का, और इसमें आप देखिए कंफ्यूज होते हैं कि नीचे भी जीरो होता है इधर से और इधर भी जीरो होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि हम जीरो इधर से काउंट करें या फिर इधर से काउंट करें, ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने बेस लाइन इधर स्टार्ट की है और इस पर आप कंपास रखते हैं, ठीक है, तो आप इधर वाले जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ, और डिग्री कितनी बनानी है आपको 120 डिग्री की, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ स्टार्टिंग में जीरो आएगा, फिर 10 20 इस तरह से करके 120 आपको यहाँ मिल रहा है। आप इसको बेस लाइन मान करके 120 का ये आपने एंगल बना लिया। उसके बाद पहला एंगल बन गया हमारा। अब हम कंपास रखेंगे क्या कहते हैं इसको, प्रोटेक्टर, डी कहते हैं, चांदा कहते हैं, कुछ भी कह लो, यहाँ रखेंगे बिल्कुल सेंटर पर। फिर यहाँ हमारा दूसरा एंगल बनेगा, ये भी 120 का बनेगा, और यहाँ से फिर हमने अगला यहाँ मार्क कर लिया 120 का, ये बन गया। अब अगला एंगल हमें बनाना है 60 डिग्री का, तो हमारी बेस लाइन कौन सी बन गई, ये वाली, अब हम इस पर रखेंगे और 60 डिग्री का ये बन गया हमारा। फिर बनाना हमें 24 का, अब इसको बेस लाइन मान करके ये हमारा 24 डिग्री का एंगल बना। लास्ट क्या बचा, 36। अब लास्ट वाले को आप नापे या ना नापे, ये ऑलरेडी 36 का होगा, 36 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे ये जो टोटल था 360 आया है, तो जाहिर सी बात है हमारे ये सारे सही बने होंगे और ये हमारा लास्ट एंगल बिल्कुल राइट कैलकुलेट करके आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने एंगल बनाए हैं आप इनको अपनी
चॉइस के अनुसार। मैंने तो क्या किया, जैसे पहला ही 120 है, इस पर स्वीट लिख दिया और इसे प्लस का निशान बना दिया है, ये फ्रूट वाले में सर्कल बना दिया है, इसमें ऐसे लाइन खींच दी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कलर भी कर सकते हैं या कोई और सिंबल बना सकते हैं, जैसे ही आपकी चॉइस हो बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको बनाएं और फाइल अपनी तैयार करें। एक चीज़ फिर मैं आपसे बता दूँ, आपको ट्वेल्थ की फाइल बनानी कैसे है, इसका वीडियो में मैं डालूंगी कि उस फाइल में कौन कौन से डायग्राम होंगे, कौन कौन से लेसन हैं, कितने हैं, वो भी मैं कुछ दिनों के बाद ही डालूंगी, पूरी की पूरी फाइल डाल दूंगी, जिससे आपको बनाने में असुविधा ना हो। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सर्कल डायग्राम कैसे बनेगा, उसी की तरह बिल्कुल आपकी बुक में क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लें एनसीईआरटी का और इसको बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, थैंक यू।